तो इसके साथ थोड़ा कांगनी दाना भी दे दूंगा और कांगनी दाना अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगा। इधर जो है ये ग्रीट्स है और इधर भी मैं ये ग्रीट्स दे के रखा हूँ, क्योंकि जो डाब जो बर्ड्स है वो ग्रीट्स बहुत ही पसंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जुल्फिकर है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेके बर्ड्स परेड हल्दिया में आप सभी को वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आप देख सकते हो, आप इधर जो मेरा वाइट डाब है और एक फॉन डाब है। देखिए ये फॉन डाब ये मेल है और ये वाइट डाब ये फीमेल है। तो ये लोगों को ब्रीडिंग टाइम पर क्या क्या सीड देना चाहिए और क्या क्या ये लोगों को केयर करना चाहिए, वही वीडियो में आप लोगों को आज बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक मेरा चैनल पर जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन है वो प्रेस कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि जब नया वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूँगा सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहले आप लोगों में दिखा देता हूँ, ये अभी थोड़ा जो नीचे जो देखिए अभी शायद एक ले किया है और ऊपर भी वो एक ले किया शायद। तो इससे पहले आप क्या करना चाहिए और क्या देना चाहिए, तो सबसे पहले आपका जो मैं सीड देता हूँ वो सीड मिक्स करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे वो लोग को क्या क्या सीड देता हूँ और क्या क्या सीड मिला के वो लोग को प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। और उसके साथ सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो इधर जो है ये ग्रीड्स है और इधर भी मैं ये ग्रीड्स दे के रखा हूँ, क्योंकि जो डाब जो बर्ड्स है वो ग्रीड्स बहुत ही पसंद करते हैं और ग्रीड्स देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये लोग बहुत ही अच्छा ब्रीड करते हैं और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा करता है, क्योंकि ग्रीड्स से ये लोग को बहुत कुछ कैल्शियम बहुत ही मिल जाता है और हार्ट जो प्रॉब्लम है वो ग्रीड्स से सॉल्व हो जाता है। इसलिए ग्रीड्स आपको देना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि आप है ये बहुत ही एक शांत एक बर्ड्स है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है और क्विकली बहुत ही क्विक रिजल्ट करता है। इनसे जो डाब है इसका जो एक हैचिंग टाइम है 14 से 15 दिन का अंदर इसका एक हैच होता है। और इसका जो मैं केजे साइज में रखा हूँ, मेरा 2 फीट 1.5 रखा हूँ इसका केजे साइज, इसी केज में ये लोग बहुत ही अच्छा ब्रीड करता है और अंडे बच्चा हैच कर देता है। फिर ये आप देख सकते हो डाब का जो सीड मिक्स है, यही से मैं सीड मिक्स बना के वो लोग को प्रोवाइड करूँगा ब्रीडिंग के टाइम पे। वो लोग को सीड मिक्स मतलब बहुत ही पसंद है और इसलिए सीड मिक्स वो लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो सीड मिक्स से पहले आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो ये भुट्टा है, ठीक है, और ये पैडी है आप देख सकते हो, और इधर कुसुम दाना है, ये सफ़ेद कुसुम दाना है, और ये सनफ्लावर सीड है, ब्लैक वाला जो है ये सनफ्लावर सीड है और वाइट कुसुम दाना है, ठीक है। उसके साथ आप देख सकते हो ये गेहूँ है, ये गेहूँ भी मैं यूज़ करूँगा, और इसके साथ आप देख सकते हो ये केनारी सीड है, बहुत ही अच्छा एक विटामिन मिल जाता है इसमें एक केनारी सीड से, और एक केनारी सीड भी वो लोग। और फिर से आप देख सकते हो एक बड़ा दाना कांगनी है और कांगनी भी थोड़ा उसमें मिक्स करूँगा। तो ये लेके आपका जिस हिसाब से आपका पास डाब बर्ड्स है उसी हिसाब से आप मिला के वो लोग को प्रोवाइड कीजिए। तो पहले मैं थोड़ा सा भुट्टा ले लेता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा मैं पैडी ले लेता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा मैं गेहूँ ले लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं थोड़ा सा गेहूँ ले लिया हूँ, इसके बाद किनारी सीट थोड़ा सा करके लोग मिक्स कर देता हूँ किनारी सीट। इसके बाद कुसुम दाना और सनफ्लावर सीड ये थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके तो इसके साथ थोड़ा कांगनी दाना भी दे दूंगा और खाता हूँ। और थोड़ा सा देखिए जी, आपका पास जितना बर्ड्स है उसी हिसाब से आप मिला के आप बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए आसानी से, ये देख दूंगा।
और बहुत ही अच्छा सा वो लोग बीट करेगा। तो मैं जैसे बना के बार्ड्स को प्रोवाइड करता हूँ वही आप लोगों को दिखाया, अच्छा लगा तो आप लोग भी ऐसे यूज़ कीजिए बार्ड्स को, बहुत ही अच्छा बीट मिलेगा आपको। तो यही था आपको आज का जो टिप्स था यही है, तो यही आज का जो वीडियो है यही तक। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन प्रेस कर दीजिए, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इसका जो बीडिंग जो रिजल्ट है वही आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी एक ले किया है शायद मैं देखा नहीं हूँ, तो आपको जब इसका ये हैचिंग होगा उसी टाइम और भी एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक।